Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys. We Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. The guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो अशोक सम्राट हिस्ट्री इन हिंदी, और मुझे इनका इतना नहीं पता, तो क्या है कि मुझे सजेशन आई थी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो जरूर बनाते हैं. सारी चीजें डिटेल के साथ वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय भी अशोक सम्राट के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा. तो बिना टाइम का गुवाए वीडियो की तरफ चलते हैं. नमस्कार दोस्तों, 261 ईसा पूर्व हुई कलिंग युद्ध में अखंड भारत और मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट सम्राट अशोक के साथ जो हुआ उसने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और अखंड भारत पर अपने नाम का डंका बजाने वाले अशोक उस युद्ध को जीतकर भी हारा हुआ महसूस करने लगे. उसके बाद युद्ध का रास्ता छोड़कर अपना लिया अहिंसा का रास्ता. खुद का हृदय परिवर्तन होने के बाद दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए विदेशों में किया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार. लेकिन उस दिन युद्ध में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि किसी से भी कभी ना डरने वाला और ना ही हारने वाला सम्राट अशोक दहशत में आ गया, और क्यों उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा के रास्ते को अपना लिया, तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2300 साल पहले, जब सम्राट अशोक का जन्म हुआ था. उनका जन्म 304 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे हम आज के समय बिहार के राजधानी पटना के नाम से जानते हैं. जी हाँ, और आज का बिहार स्टेट का कुछ हिस्सा तब के मगध राज्य में हुआ करता था. उनके पिता का नाम बिंदुसार और मां का नाम धर्मा था. महावंश के अनुसार उनके पिता की 16 रानियां और अशोक को लेकर कुल 101 बच्चे थे, जिनमें से उनके सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम था. राज्य परंपरा के अनुसार पिता के बाद राज गद्दी पर बैठने का सबसे पहला हक बड़े बेटे का होता है, इसलिए सुसीम को राजा बनाया जाना था. हालांकि अशोक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं था, लेकिन राज परंपरा के नियम को फॉलो करना राजा के साथ सबका ड्यूटी था. वैसे दोस्तों, अशोक के द्वारा खुदवाए गए शिलालेखों में उनके शुरुआती जीवन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है. वो तो कई सालों बाद जाकर उनके बारे में लिखना शुरू किया गया. अशोक वदान के अनुसार बिंदुसार उनके शरीर के सांवले रंग के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे, और ये बात अशोक को अच्छी तरह से पता था. लेकिन बिंदुसार अपने बेटे अशोक से काफी प्रभावित थे, और इसका कारण ये था कि अशोक दिखने में भले ही सुंदर नहीं थे, लेकिन वो अपने सभी भाइयों से काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल थे. इसलिए बिंदुसार उन्हें बड़े काम और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां ही सौंपते थे, जैसे तक्षशिला में हो रहे विद्रोह को दबाना इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार, उज्जैन पर शासन करना श्रीलंकन ट्रेडिशन के अनुसार. इसके साथ ही एक दूसरी संभावना ये भी बताई जाती है कि अशोक को शाही राजधानी से दूर रखने के लिए बिंदुसार उन्हें इस तरह के दूर दराज इलाकों में भेजा करते थे. खैर, राजा के टॉपिक पर वापस आएं, तो पावरफुल होने के बावजूद भी अशोक के बदले उनके बड़े भाई सुसीम को तक्षशिला का शासन दे दिया गया. हालांकि इतिहास के कुछ पन्ने ये बताते हैं कि पूरी तरह से उसके कंट्रोल में राज्य को नहीं दिया गया था. उसने तक्षशिला राज्य अपने कंट्रोल में ले तो लिया, लेकिन उससे तक्षशिला का राज्य पूरी तरह से नहीं संभाला जा सका और राज्य में विद्रोह होने लगा. दोस्तों, तक्षशिला आज के पाकिस्तान में पड़ता था. जब विद्रोह की खबर पाटलिपुत्र में पहुंची तो राजा बिंदुसार काफी चिंता में आ गए. लेकिन राज्य के लोगों को पता था कि अगर इस विद्रोह को कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ अशोक है. इसलिए अशोक को फौरन तक्षशिला के लोगों में उठ रहे विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया गया. जब ये बात वहां के लोगों को पता चली तो वो अपने आप ही शांत हो गए और विद्रोह को बंद कर दिया.
उन्होंने अशोक को बताया कि उनका विद्रोह राजा से बिल्कुल नहीं बल्कि कुछ मंत्रियों से ही था। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैलने लगी और अशोक काफी लोकप्रिय होने लगे। इधर सुसीम को उनकी बढ़ती लोकप्रियता का डर सताने लगा कि कहीं उसकी राजगद्दी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए उसने अपने पिता बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डलवा दिया। दोस्तों, निर्वास का मतलब कि किसी इंसान को उसके देश से किसी कारण से बाहर कर देना। खैर, इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक बहुत उग्र स्वभाव के थे, लेकिन बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया था। कुछ समय बाद राज्य में फिर से विद्रोह होना शुरू हो गया। इधर राजा बिंदुसार बीमार पड़ने लग गए और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। श्रीलंकन ट्रेडिशन टेक्स्ट महावंश के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर दी और फिर राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। वहीं पर यह भी बताया जाता है कि जब अशोक को पता चला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माँ की हत्या कर दी, तब वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाए और अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया। खैर, कलिंग वॉर के पहले उनके बारे में कई बौद्ध कहानियों और परंपराओं के अनुसार अलग अलग बातें कही गई हैं। इसलिए दोस्तों, आज तक किसी को भी उनके शुरुआती जीवन की सच्चाई नहीं पता चल पाई है। राजा बनने के बाद अशोक का बस एक ही मकसद था, अपने किंगडम यानी साम्राज्य का एक्सपेंशन। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और जो भी उनके रास्ते में आया उसे कुचलते हुए आगे बढ़ते गए। कई राजा तो उनका नाम सुनकर अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर देते थे। मगध का राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 8 साल में ही उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया था कि उनके टक्कर का राजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में ही नहीं था। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को इतना एक्सपैंड कर दिया कि जिसमें आज का भारत तो था ही, उसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देश भी शामिल थे। दोस्तों, उन्होंने नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट यानी म्यांमार से इराक तक अपना राज्य बढ़ा लिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि आज के पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। लेखों के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने राज्य का एक्सपेंशन तो बड़े पैमाने पर किया, लेकिन साउथ का एक राज्य कलिंग अभी भी उनके राज्य में नहीं जुड़ पाया था। वैसे कलिंग राज्य आज के मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के एक बड़े से हिस्से को मिलाकर बना था। यहाँ के राजा राजा अनंत पद्मनाभ थे, जो काफी पावरफुल और इंटेलिजेंट थे। कलिंग युद्ध के पहले भी कई राजाओं ने, यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य के पहले के राजा बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य भी इस राज्य पर अधिकार जमाने की कोशिश किए, लेकिन नाकाम ही रहे। इसलिए सम्राट अशोक ने इस राज्य पर आक्रमण करने की ठानी। अपने शासनकाल के 9वें साल यानी कि 261 ईसा पूर्व उन्होंने कलिंग राज्य पर हमला बोल दिया। इस युद्ध ने काफी भयंकर मोड़ ले लिया, क्योंकि कलिंग राज्य के पास भी पावरफुल आर्मी थी। ये अलग बात है कि अशोक की आर्मी उससे कहीं अधिक बड़ी थी। लेखों के अनुसार इस भयंकर युद्ध में काफी खून बहा। सैनिक के हाथों में सिर्फ और सिर्फ हथियार थे और मन में अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने की जिद। आखिरकार दोस्तों, काफी लंबे समय से चल रहे इस युद्ध का अंत ही आ गया। युद्ध का अंत हुआ और सम्राट अशोक की जीत। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार दिल को दहला देने वाले इस भयानक युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की जान गई, जबकि 1.5 लाख लोग जख्मी हुए। चारों तरफ बस चीख पुकार ही मचा था। इस भयानक मंजर को देखकर सम्राट अशोक अंदर तक हिल गए। उनके कानों में रोते बिलखते हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। जब वह युद्ध के मैदान में हताश होकर बैठे तो उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु आए।
जो अपने हाथों में एक बच्चे की लाश लिए हुए थे। उस बौद्ध भिक्षु ने अशोक से कहा कि सम्राट अशोक, आप तो इस युद्ध को जीत गए जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, लेकिन क्या आप इस बच्चे में जान डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो इसकी कोई गलती ही नहीं थी। उस बौद्ध भिक्षु की बात ने उन्हें काफी अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों से पछतावे की आंसू निकलने लगे। इसके बाद से सम्राट अशोक का एक नया जन्म हुआ। युद्ध करने वाले अशोक को उन्होंने अंदर ही अंदर मार दिया और बुद्ध के दिखाए हुए रास्तों को अपना लिया। दोस्तों, शिलालेखों के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जानवरों की हत्या पर रोक लगा दिया और कभी युद्ध ना करने का फैसला किया। उन्होंने धर्म का प्रचार और सोशल वर्क करना शुरू किया। वो बुद्ध के दिखाए गए रास्तों पर चलकर शांति और अहिंसा का संदेश देने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक के दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य भी गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे, जबकि कुछ ये भी कहते हैं कि वो जैन धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन सम्राट अशोक एक बुद्धिस्ट थे, जिसका सबूत तो उनके द्वारा खुदवाए गए शिलालेखों पर ही मिल जाता है। आगे चलकर उन्होंने कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बैराट में मिलते हैं। इसके अलावा सांची का स्तूप तो काफी फेमस है, जिसे शायद आप भी जानते होंगे। उन्होंने करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उनके द्वारा बनवाए गए अब तक 7 स्तंभ पाए गए हैं, जिनके ऊपर 4 शेर बैठे हुए मिलते हैं। आज हम इन्हें अशोक पिलर यानी अशोक स्तंभ कहते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन काल में कई शिलालेख खुदवाए और अभी तक करीब 40 शिलालेख पाए गए हैं। मौर्य वंश की पूरी जानकारी इन्हीं शिलालेखों से, शिलालेख क्या होता जो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी बड़े पैमाने पर किया, जिसमें कई देश शामिल हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इस मिशन में शामिल किया और उन्हें श्रीलंका भेज दिया, जिसके बाद वे दोनों कभी वापस नहीं आए। महेंद्र ने श्रीलंका में जाकर वहां के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद वो बौद्ध धर्म से इंस्पायर होकर इसका फॉलोअर बन गया। यहाँ तक कि उसने इस धर्म को राज्य धर्म में बदल दिया। इसके अलावा इसने अशोक से इंस्पायर होकर खुद को देवान प्रिय की उपाधि भी दिया। दोस्तों, आपको जानकर बहुत प्राउड फील होगा कि सम्राट अशोक एक लौते ऐसे राजा थे जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। यहाँ तक कि युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के बाद भी उनके राज्य की बाउंड्रीज कम नहीं हुई। करीब 37 साल तक उनका शासन काल रहा, इसलिए उन्हें अशोका द ग्रेट कहा जाता है। आखिरकार 232 ईसा पूर्व लगभग 72 साल की उम्र में पाटलिपुत्र की धरती पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ 50 साल के भीतर ही मौर्य एम्पायर ढह गया। आपको बता दें कि आज अपने इंडिया के तिरंगे में अशोक चक्र को एक सिंबल के रूप में जगा दिया गया है, जिसका मतलब कभी ना रुकना है। और अशोक स्तंभ के ऊपर बैठे 4 शेरों को इंडिया के नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट किया गया है, जिसका मतलब सत्यमेव जयते है। दोस्तों, ये सारी जानकारियां अशोक के इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों, एंशियंट लिटरेचर और स्पेशली बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ली गई है। इसमें हमारा कुछ अपना नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो वाकई काफी अच्छी थी, काफी अमेजिंग और फैंटास्टिक किस्म की जो है वो हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी गई, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है सही है ना, ठीक है ना, बिकॉज वो खुद भी कह रहे हैं कि ये हम लोगों ने जो है वो बुक से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ली है। और यार अशोक सम्राट या इनका नाम ये है, और इन्होंने जो है वो एक लड़ाई भी जो है वो आज तक मतलब
जो उनकी लाइफ थी उनके अंदर उन्होंने एक लड़ाई भी जो है वो नहीं हारी, और अपनी लड़ाई को छोड़ने के बाद भी जो है वो उनका जो राज्य था वो काफी स्ट्रांग रहा, और 99 ब्रदर्स को भाई इन्होंने अपने मारा, और अपने ही जो है वो 99 भाइयों का खुद ही कत्ल कर दिया, और इतने लोगों को मारा, और आज तक कोई लड़ाई भी नहीं हारे। बहुत ही यार ब्रेव किस्म के इंसान थे। और वो जो इंडिया के झंडे के अंदर वो सर्कल सा है, वो मुझे हमेशा होता था कि ये क्यों है, ठीक है, जैसे चांद सितारा हमारे है, तो मैं इंडिया का, मुझे नहीं था पता कि वो अशोका के वो चक्र से ही जो है वो सर्कल सा वो बनाया हुआ है, और वो चार शेर भी अक्सर हम लोग देखते हैं ना। तो अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए, कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।